झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई लोगों ने मुलाकात की। इसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, एमटी एजुकेशनल ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यू रामचंद्रन शामिल हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की। इसके अलावा एससीएल टेक्नोलॉजी के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट शिवशंकर सुबराव और झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा टीचर्स संघ के प्रतिनिधि ने भी सीएम से मुलाकात की। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को व्यापार एवं व्यापारियों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी और आगामी बजट से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएं बताई। वहीं एमटी एजुकेशनल ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यू रामचंद्रन और वाइस प्रेसिडेंट गौरव गुप्ता ने मुख्यमंत्री को एमटी यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और कलापों की जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 26 मार्च को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। इसके साथ ही एससीएल टेक्नोलॉजी के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट शिवशंकर सुबराव, वाइस प्रेसिडेंट सुबा मैनेजर सुंदर समन ने मुख्यमंत्री से मिलकर श्रम नियोजन एवं कौशल प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर राज्य के 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 12वीं पास 500 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने की योजना के बारे में बताया। सीएम हेमंत सोरेन ने तेल की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई। बहुत सारे डेलीगेट्स आए, आज चैंबर ऑफ कॉमर्स भी आई, अपनी बातों को रखी है और उनको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं और राज्य में उद्योग को लेकर के आज उद्योग सचिव से भी हमारी बातें हुई हैं और उद्योग को लेकर निरंतर हमारा प्रयास है कि राज्य में उद्योग लगे और उसके लिए चारों तरफ बातें ले जाई जा रही है। राज्य सरकार ने कहां बोझ बढ़ाया, ये तो भारत सरकार की करतूत है। अब इन लोगों ने देश के गरीबों को, मध्यम वर्गों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को, किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। वहीं प्रशिक्षित पारा टीचर्स संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। टीचर्स संघ की मांग है कि झारखंड के 55,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर वेतनमान दिया जाए। ये लोग अभी पैदल ही जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी काफी गंभीरता पूर्वक हम लोगों की बातें को सुने, उन्होंने ठोस आश्वासन दिया कि विभाग का काम प्रक्रिया के अधीन है, हम लोग बहुत जल्द आप लोगों को स्थायीकरण वेतनमान का तोहफा देंगे। थोड़ा सा क्योंकि पूर्व की सरकारों ने इतनी रेट लतीफ़ या जटिलता बना के रखा है, थोड़ा सा हम लोगों को समय लगेगा, लेकिन इतना निश्चित रूप से भरोसा उन्होंने दिया कि झारखंड के तमाम पारा शिक्षक काम करते रहेंगे, किन्हीं को नहीं हटाया जाएगा।